चल चरखा चाले पांच तत्व गुण तीनी वो चादर जीनी रंजीनी हो आज अयोध्या फैजाबाद से कर्म की पूर्णी का तन बैठे कर्म की पूर्णी का तन बैठे आपका जी आज उस पार मैं सरयू के इस पार कैसे आओगे पाजी। अरे केवट का सहारा तुम भी लो पाजी और इस पार आ जाओ मेरी तरफ आओ। बात है पाजी आका से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर गिर की ओहो भूल जावे अंतर गिर की। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माया रायत की पाजी क्या बात है। लंबा सफर तय करके फैजाबाद अयोध्या आ गए हैं। राम जी के दर्शन कर लिए पाजी? कर लो पाजी, दूर मत भागा करो मुझसे, पास आओ। आज आपको एक नाम से और मिलवाते हैं पाजी। अगर रियान ना मिले होते ना उत्तर प्रदेश में इनसे ना मिले होते तो बात बनती नहीं। आओ पाजी आओ। हाँ घबराने की क्या बात पाजी, डरते हो तो क्यों घबराते हो, आओ मेरे पास आओ। पाजी बड़ी शख्सियत है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। नाम है अभय सिंह। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं कि आपसे बात करने में घबराते हैं, लोग बात करने में डरते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लोग गलत करते हैं। कहते हैं आपके नाम का बहुत दहशत है, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में आपसे बड़ा माफिया कोई नहीं है। ये बात सच है? बात ही नहीं है, लोग गलत कहते हैं। ये तो पुलिस वालों ने और मीडिया ने दुष्प्रचारित कर रखा है। मीडिया वाले बड़े दुष्ट होते हैं पाजी, सच में। ये मीडिया वाले अगर कुछ ना पढ़ो कुछ ना हो तो इसी की मठिया में गंगा जल चढ़ा दो। ये मीडिया वाले सबसे ज्यादा गड़बड़ काम करते हैं। ये मीडिया वालों ने दुष्प्रचार किया आपके ऊपर? जी जी, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर मीडिया ने दुष्प्रचार किया। पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर? तो अब कितने दर्जन मुकदमे होंगे आपके ऊपर? मेरे ऊपर तो इस समय मात्र 8 मुकदमे हैं। मात्र 8? कमी है लेकिन ये बात सच है। फर्जी मुकदमे हैं और ये जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर हैं इसमें वादी मुकदमा पुलिस है। पुलिस ने खुद वादी बनकर के मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया है। हमारे ऊपर आपके सामने खड़ा कौन होगा? हमारे ऊपर आम आदमी के द्वारा कायम कराया हुआ एक भी मुकदमा नहीं चल रहा। ये बात सच है कि यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ये बात सच है कि पुलिस के अलावा आपके ऊपर मुकदमा खड़ा कर कौन हो सकता है? आपके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। ये बात सच है कि नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा है। मैं तो कहने वाला था आप कहने वाले मेरे उत्तर प्रदेश में मुझसे भी बड़े हुए माफिया हैं, ऐसा है? अब ये आप पता नहीं क्या बोल रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा। नाम अभय सिंह है जी। दहशत है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग इनसे घबराते भी हैं लेकिन बात सच है कि ये सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव जीते हैं जी। तो कैसे चुनाव जीत जाते हैं? आप तो जेल के अंदर होते, चुनाव कैसे जीत जाते हैं आप? ये तो जनता जिताती है, जिसको जानती है जनता की गरीबों दुखियों का, छात्रों नौजवानों मजदूरों किसानों का हमदर्द है और उनके दुख और सुख में हम लोग भाग लेते हैं, जातियों के बंधन को तोड़ करके उनकी मदद करते हैं। रॉबिन हुड स्टाइल है आपकी। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। लोग कहते हैं कि आप पढ़ने में बड़े होशियार छात्रों में गिने जाते हैं। जी हाँ, पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे थे कंपटीशन के लिए आईएएस की जी। पाजी हल्के में ना लेना, बिल्कुल हल्के में ना लेना, पास आ जाओ थोड़ा। आईएएस की तैयारी कर रहे थे जी। हाँ तमाम चीजें मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं का प्रभाव हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है इनके बारे में। और ये बात सच है कि आप वहां से आए, उसके बाद एक दहशत की दुनिया में आपका उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम हुआ, ये सच है? नहीं, दहशत की दुनिया में नाम गलत आप बता रहे हैं, ऐसे कोई नाम मेरा नहीं हुआ दहशत दुनिया में। जनता की सेवा करने में हमारा नाम हुआ है।
है? ये जवाब हुआ पाजी, क्योंकि पाजी अब मेरी बात सुनिए। हाँ ये बात आओ यार, अरे मेरे पास आओ, बगल में आ जाओ, उतनी दूर ना खड़े यार। भाई, भाई ने हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब हैं, जिनके क्या नाम है कि खाने को नहीं है, जिनके इलाज के लिए यहाँ से जाने में लखनऊ तक कोई भी विधायक कोई भी सांसद जिन्होंने इलाज नहीं करवाया, भैया ने यहाँ से अपनी गाड़ी से ले जा करके उन गरीब दुखियों का इलाज करवाया। तो भैया को टिकट भी तो चाहिए हुआ था, भैया को वोट भी तो चाहिए होते, तो भैया ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भैया करोड़ों दिल में रहते हैं, इसलिए भैया को आपने कहा भैया लखनऊ में थे, भैया माफिया नहीं, भैया हमारे दिल में इस गोसाईगंज विधानसभा के हजारों दिल में बसते हैं। ये मसीहा है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने घर में चुनाव नहीं जीत सकते, ये चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतते हैं, तो आसान बात तो नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप अंदर हैं जेल में तो फिर कैसे काम कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है? जेल के अंदर कहां, हम तो बाहर हैं, अभी बाहर हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं तब कैसे करते हैं? नहीं तो हम विधायक रहते हुए कभी जेल नहीं गए। पाजी परे हटो, परे आओ, परे। केशव देव मौर्य पे 12 मुकदमे, एक दर्जन मुकदमे हैं। बिल्कुल सही, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले आप उन लोगों की चर्चा कीजिए, और उनपे तो हम, आप कभी जाइए उनके क्षेत्र में, जिले में जाइए, गौ तस्करी जैसे आरोप हैं। गौ सेवा के नाम पे वो लोग क्या कहते हैं, वोट मांगते हैं गाय के नाम पे। हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाय काटने पर रोक लगाई हुई है, और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी सरकार वो तो गाय काटने पर रोक नहीं लगा रही पूरे देश में। हाँ भाजी, अब बोलो, अब जवाब है तुम्हारे पास? अब तो तुम चुप हो गए, क्यों भाई बताओ? तो ये उस सवाल के जवाब में आपके पास एक सवाल और है, ये कि जब उनके ऊपर मुकदमे हैं तो आप मेरे मुकदमे के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? यही है ना भाई, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन मुकदमे चलने से ये कोई पक्का नहीं है कि कोई मुकदमा चलने से अपराधी हो गया, या किसी पर मुकदमा लगा तो अपराधी हो गया। उसको जनता तय करेगी, जनता की अदालत तय करेगी कि इस पर मुकदमे सही लगे हैं गलत लगे हैं, कोर्ट न्यायालय तय करेगा। बात तो सही है पाजी, बात तो सही है। और उधर दूसरे वाले खेमे में क्या है पाजी, उनके बारे में भी पता करेंगे सवाल। अरे पाजी आप भी सवाल पूछेंगे, आओ चलो मेरे साथ। पाजी क्या बात है, मालाएं हैं, ओ पाजी कितनी बड़ी माला है, अरे है पाजी, ओए हे सारे नेता, क्या बात है पाजी, माला लंबी लंबी बड़ी बड़ी। पाजी दूसरे नेता भी मिल गए, पहले वालों से बात की थी तो मैंने कहा था इनको भी ढूंढेंगे। खब्बू तिवारी जी क्या बात है भैया, आपका तो बड़ा नाम है, लोग कह रहे हैं कि एक बाहुबली के सामने दूसरा ही बाहुबली खड़ा हो सकता है, तो आप भी बाहुबली, वो भी बाहुबली? नहीं, हम बाहुबली नहीं हैं, लोग गलत कहते हैं, बाहुबली नहीं है, जनता का जो बल है यही हमारा बाहुबल है। ये सारे बाहुबली कहते हैं जनता का बल है, वो भी यही कह रहे हैं जनता का बल है, जनता का प्रेम है, जनता का स्नेह है, तो जितना सब जनता का स्नेह है वो सब बाहुबली के पास है। जितना जनता का स्नेह है, 27 तारीख को जब मतदान होगा ईवीएम की मशीन में बंद हो जाएगा, और 11 तारीख को जब परिणाम आएगा उसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, बोलिए, वो तो बात है, क्योंकि आप चुनाव लड़े हैं, उससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, आप बसपा से पहले चुनाव लड़े हैं, ये बात सही है। तो चुनाव जो लड़ा है 50,000 40,000 45,000 60,000 वोट पाया, वो तो निश्चित सवाल, लेकिन सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि नहीं बाहुबली है, मुकदमे हैं आपके ऊपर? नहीं, किसी मुकदमे में मुकदमा नहीं हूँ, जो मुकदमे थे सब मैं बरी हो गया हूँ, और जो मुकदमे पेंडिंग है जल्द ही वो छूट जाएंगे। तो वो बाहुबली है आप कहते हैं? हाँ, बाहुबली नहीं है, अपराधी, भ्रष्टाचार में लिप्त,
विधानसभा घोषणा की हजारों करोड़ की योजनाएं कागज पर आई, कागज पर काम हुआ, उसी पे भुगतान हो गया और पैसा उस अपराधी की जेब में पहुंच गया। आप आए होंगे, सड़कों का हाल आपने देखा होगा, यही लोकतंत्र है। लगता है कि हमारा देश आजादी नहीं हुआ है, ये ऐसा क्षेत्र है हमारा, लगता है कि देश हमारा आजाद हुआ ही नहीं। न सड़कें हैं, न नालियां हैं, न बिजली है। आप इतने दूर से आए होंगे, सड़कों की बदहाली देखकर इसका अंदाजा आप स्वयं लगा लिए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीति का व्यवसायीकरण जिस तरीके से फैजाबाद जिले के विधानसभा गोसाईगंज में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। पाजी उधर भाषण चल रहा है, भैया की रैली हो रही है और इधर जनता मौजूद है। पाजी कैमरा इधर ही लाओ, देखो नेता इधर ही है। तो पाजी उधर बार बार कैमरा मत ले जाओ, कैमरा इधर ही रखो। लेकिन लोगों ने कहा, उन्होंने भी ये बात, भाई ठीक है वो बाहुबली है तो ताकत तो आपके पास भी है, इसमें दो राय नहीं, मुकदमे आपके ऊपर भी है, मुकदमे उनके ऊपर है। निश्चित तौर से ताकत ही लड़ रही है। लोगों ने कहा टेरर है आपका भी, आतंक है नहीं है, मानते ही नहीं। परसों उस अपराधी का जुलूस निकला हुआ था जिसने यहाँ की जनता को गुमराह करके पद ले लिया था और मेरा प्रचार बहाना रहा था। उसने हमारे ड्राइवर को पीटा, हमारे वाहन के होल्डिंग फाड़ दिए गए, इसकी FIR भी दर्ज हुई है। अगर मैं बाहुबली होता या दबंग होता तो इसका मैं प्रचार करता, हमने प्रचार नहीं किया। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमने उसका सहारा लिया, हमने FIR कराया। तो आप ये मानते हैं कि वो बाहुबली हैं तो आपको आप घबराते नहीं, लेकिन आप नहीं घबराते। तो अगर वो बाहुबली हैं, दबंग हैं, बड़े हैं तो आप घबराते हैं? ये क्या, माननीय मोदी जी का हाथ हमारे ऊपर है, माननीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्या बात है, बजे हुए खिलाड़ी की तरह सबके नाम लेते हैं, एक भी नाम भूलते नहीं है, क्या बात है। अरे मतलब बुरे नाम होंगे, नाम सारी बिरादरी के नाम है और आर के चौधरी तो बगल में बैठी। ये तो राम मंदिर कब बनवाओगे? राम मंदिर का मुद्दा न्यायालय में, भाई यही का फैजाबाद का, पूरे देश भर दुनिया भर में यही का मुद्दा चलता, तो मंदिर मुद्दा कब बनेगा? इसमें अनावश्यक को आप घेर रहे हैं, वो मुद्दा न्यायालय में है, उसमें आप घेरिए ना हमको। यहाँ की जनता इसमें उलझती नहीं है? नहीं नहीं, और इस मुद्दे के लिए हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनसे इस बारे में आप बात कर सकते हैं। समझ सकता हूँ, प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी का तनाव क्या होता है, चुनाव के पहले वो कितना परेशान होता है, इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं। 6,500 किलोमीटर चलने के बाद मैं जानता हूँ प्रत्याशी क्या होता है। गुस्सा तो नहीं आती है आपको? तो मुस्कुराइए ना, एक बार भी आप मुस्कुराए नहीं स्क्रीन पे मेरे, बहुत जो है बहुत एक बार भी नहीं, और जो मेरे सामने ना मुस्कुराए तो समझो फिर कहीं नहीं मुस्कुराता। अरे तो फैजाबाद में जलेबी दही बंद हो गई मिलना क्या? जलेबी दही जहाँ से आप लेकर इंटरव्यू आ रहे हैं वहाँ मिली होगी। अरे धूल है, अरे हम तो वहाँ भी जलेबी खाए, यहाँ भी दही खाए। बाजी पूरे दिन भर के बाद एक कप चाय तो बनती है बाजी। सुना वाली फैजाबाद की बड़ी मशहूर चाय की दुकान है साहब, है ना साहब? अच्छा क्या नाम हो गया आपका? धीरज यादव। अच्छा आपने आप अपनी ही तारीफ कर लेते हैं आप धीरज भाई हैं? जी सर जी। हाँ क्या बात है, चाय पी के ही पता चलेगा कि ये चाय बनारस को टक्कर देती है या नहीं देती। देखे हाँ जी, पूरे यूपी को टक्कर देगी। तो फैजाबाद में टक्कर किसकी है ये बताओ पहले? मैं साइकिल और कमल की।
कहते हैं पान की दुकान पे और चाय की दुकान पे सब पता चल जाता है। क्या बात, सही बात है ना भाई साहब। क्या नाम हो गया आपका? बहुत जल्दी में क्यों है अरुण जी? एकदम जल्दी नहीं है। हाँ तो चाय आप भी एक चुस्की लीजिए, मैं भी एक चुस्की लेता हूँ, फिर बताइए क्या है। है ना, देखिए बहुत अच्छी है चाय, तो अच्छी है। और क्या लगता है चुनाव में भैया? चुनाव बारे में कुछ नहीं। क्यों, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते? पावलोवी में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में नहीं रहते? पावलोवी मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। सरकारी सेवा में? अच्छा, तो कौन चेहरा पहचानना? धीरे से बोल दीजिए ना। ना धीरे से और जोर से बोलने की बात नहीं है। हाँ, बोल नहीं सकता इस मामले में। भाई साहब बोलेंगे पूरे प्रदेश में जी बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। सबका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी से। और आने वाले समय में 12 तारीख को सबसे बड़ी पार्टी होगी। 11 मार्च को आप देखिएगा। पाजी चाय की चुस्की के साथ फिर बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। जी हाँ, नंबर एक पे रहेगी। नंबर एक पे रहेगी दावे के साथ। दावे के साथ क्या बात है भाई। अरे बैठे रहेंगे ही, खड़े भी होंगे हैं? अरे खड़े हो जाइए, इतनी दूर से चल के आ गए आपके पास। क्या लग रहा है साहब? मैं बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी, बीजेपी और कोई नहीं, पार्टी की टक्कर नहीं है बीजेपी। बस चाय पीने आते हैं आप यहाँ पे? जी जी बीजेपी है। बीजेपी से? बीजेपी, बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों, वो तो कह रहे बसपा लहर चल रही है। तो बीजेपी यहाँ हर बार बीजेपी 25 साल से बीजेपी जीत रही है। हाँ बीजेपी, बीजेपी बड़ा जबरदस्त टीका लगाए हैं, इंतजार कर रहे हैं बस मेरा कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ। क्या बात है, क्या नाम हो गया साहब? पवन बोस। पवन बोस? पवन बोस साहब। तो पवन बोस साहब क्या लग रहा है, क्या आपके यहाँ फैजाबाद में क्या चल रहा है? फैजाबाद में क्लीन स्वीप बीजेपी, अब की बार 300 पार। 300 पार? लोग कह रहे हैं दिन में भी सपने देखते हैं। दिस इज नॉट ड्रीम, स्पेकुलेशन नहीं है ये। नो नो, ये बिल्कुल सच्चाई है। 100% क्लीन स्वीप होगा। एकदम सही कह रहे हैं। नॉट एन इश्यू। सर अयोध्या में बीजेपी नहीं आएगी? और राम मंदिर कब बनेगा? ये पीछे विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, आप ही लोगों ने छोड़ दिया। यस, पार्टी ने भी छोड़ दिया। पार्टी ने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो 20 साल पुरानी बात हो गई, अब उसमें कोई ध्यान नहीं देता। 92 के जो बच्चे पैदा हुए एडल्ट हो गए, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो पुराना हो गया मुद्दा। वो मैंने वैसे से भी हट गया। यस, अब ये सोच बदल गई लोगों की, क्योंकि लोगों को अब विकास चाहिए। विकास चाहिए? यस। मंदिर नहीं चाहिए? चाहिए। मंदिर चाहिए, उसका समय आएगा तो वो भी बनेगा। देखिए कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, वो भी बनेगा। कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मेन चीज है कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ये जो मैटर हमेशा ही जो पुलिंदा चल जाता है, हाँ। ये नहीं होना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें। मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन आपको विवाद नहीं चाहिए? विवाद नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए, कत्ल नहीं चाहिए। क्या बात है, ये फैजाबाद का ही आदमी कह सकता है। मैं लखनऊ का हूँ सर। अच्छा, तो और अच्छी बात है, कैपिटल यहाँ से वहाँ चली गई थी अवध की, है ना? सर कहीं का हो, लेकिन एक बात सही है मुद्दे की, हाँ। खून नहीं चाहिए, खून नहीं होना चाहिए किसी का। और जो बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, प्राण दिए पड़े रहते हैं, पहले के लोगों ने जो अपना संघर्ष करके अपनी जान, योगी आदित्यनाथ वो भी अपनी जगह सही है। तो एक बात बताएं यार, एक चीज सही हो सकता है। देखिए क्यों गुरु जी खड़े हुई ना, मोदी के आगे सब फीके पड़ गए। पीने वाले सब बीजेपी वाले आ गए क्या? मैं कट्टर कांग्रेस हूँ। अरे बाप रे बाप, मेरे भाई को टिकट फाइनल हो रहा था यहाँ, लेकिन समझौते में सपक चला गया। इसके बाद भी ये बात कह रहे हैं मोदी, बात तो कुछ होगी भाई, भाजी बात तो कुछ खास होगी ना, इन्होंने कुछ बात कही है तो ये अंडर करंट है क्या? लोग कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी को एज है, वो थोड़ा सा लीड कर रही है। कुछ कह रहे हैं नहीं बसपा लीड कर रही है। आप देखो यहाँ वोटिंग करा लो, ये याद मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई कन्विंसिंग खत्म करके आए हो, बीजेपी वाले बैठ गए। करंट दौड़ रहा है, जान लीजिए प्रत्याशी नहीं है मोदी। हमें जो झटका लगे, हम तो इतने दिनों से घूम रहे थे। करंट दौड़ रहा, करंट दौड़ रहा, करंट दौड़ रहा, मोदी करंट दौड़ रहा, बीजेपी नहीं मोदी। क्या बात है, आओ आगे आओ, साइकिल
इससे मिल गया, कह रहे मिल गया। अरे ऐसा कह रहे जैसे बकरीद में बकरा मिल गया। ऐसा नहीं है कि मोदी निर्विरोध जीत रहे, खाद और तो पड़े। ऐसा ना करो गुरु जी, ऐसा नहीं है, है ना। तो वो बसपा वाले कहाँ गए भैया? बसपा वाले भैया कहाँ गए? चले गए। हाँ तो क्या लग रहा है भैया, चश्मा? मोदी मोदी मोदी। अरे आइए सर, आइए ना पास में हमारे। कहाँ, बस फोन बात करते रहे, पूरा डूब रहा, प्रोग्राम खत्म करना है। बताइए आदेश कीजिए। आदेश कुछ है ही नहीं, बताइए, आप ही के लिए आए इतनी दूर चल के। समाजवादी पार्टी के जितने भी गुंडे हैं, अरे हम तो दे देखे चौकी चक्की और यहाँ तक समाजवादी पार्टी का नगर विधायक जो है तीर नारायण पांडे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ठगने का काम किए हैं। भाई देखो, व्यक्तिगत आदमी ना बोलो, हमें पार्टी, हम तो नहीं, मतलब फैजाबाद में कौन क्या है, हमको तो ये बताओ बस सिर्फ। और जनता के धन को लूटने का काम किया है, साइकिल के पथ पर हजारों करोड़ रुपया जनता का गाड़ी कमाई लूट के बैंक बैलेंस कर लिए हैं। इन जनता को सीधा सीधा धोखा दिए हैं। इनके चाल चरित्र और नियत जनता जान चुकी है। आने वाली 27 तारीख को चुनाव चिन्ह चार पाई पे मुहर लगाकर। अरे यार तू कहीं कन्विंसिंग तो नहीं करते हो किसी की? बंसीलाल यादव, बंसीलाल यादव विकल्प के रूप में बंसीलाल यादव को जनता चुन चुकी है। अरे यार ये बताओ, तू कहीं आजकल के उसमें भाषण आदर तो नहीं दे रहे हो नेता लोगों ने? हम भाषण नहीं, हमारी परचून की दुकान है, बहुत छोटी सी, हम गाँव गरीब के रहने वाले हैं। हमारा गुरु हो जितने ऊपर हो उतने ही तीन गुना नीचे हो, ये आदमी कह रहे हो पक्का? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरा ग्राम सभा गंजा है, मैं प्रॉपर गंजा का रहने वाला हूँ। ये कोई गंभीर आदमी है, ये कोई बहुत कर रहे आदमी है गुरु? मैं वास्तव में राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एकदम सामाजिक आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। क्या बात है, आम आदमी है, ये वही वो भी थे आम ही, कहते थे आम कहते क्या हुआ है? हाँ भाई जब बताइए, जाकर कह रहे हैं। अरे रुकिए साहब, हम तो इतनी दूर से चल के आए हैं आपके यहाँ, तो आपके यहाँ फैजाबाद में अयोध्या में क्या लग रहा है, चुनाव कैसा? चुनाव माहौल है, चुनाव लग रहा है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा यहाँ कुछ नहीं सुनाई पड़ता हमें, उससे कोई मतलब ही नहीं। ये सब वही डिबेट में होता, वो स्टूडियो में बैठ के डिबेट में, है ना, बस यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है क्यों नहीं, राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर बनेगा भी, लेकिन विकास ज्यादा बड़ा मुद्दा है। नहीं, विकास के साथ साथ यहाँ फिलहाल अवध की धरती में जी फैजाबाद में राम मंदिर एक मुद्दा है, और जब तक मंदिर बन नहीं जाए तब तक ये मुद्दा रहेगा, और मंदिर भी बनेगा, सरकार भी बनेगी। अरे पत्रकार, अरे तुमसे अच्छा तो कोई बताएगा नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत भाई है, ये प्रशांत भाई ये पत्रकार है पेशे से, हमारे प्रशांत यादव जी भैया आए, टीवी रोज देखता हूँ और लाइव देखता हूँ। अरे गजब, एक नाम अपना बताओ यार। के मिश्रा हूँ मैं भी। अरे अरे अच्छा यार, गजब की ये जो तुमने जैकेट निकाली है, इसको देख के कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं कोई कंफ्यूजन है, ये पत्रकार लोग है भाई। और एक बात और बताएं, जैसे फैजाबाद में मंदिर हर जगह है, वैसे हर गली नुक्कड़ पे पत्रकार है, है ना? तो सही है। कितने पेपर निकलते हैं यहाँ से? यहाँ से तो हमारे जन मोर्चा निकलता है, एक अखबार, दो तीन अखबार निकलते हैं, दो तीन अखबार निकलते हैं। लखनऊ वाले सब हैं, लखनऊ वाले सब हैं। क्या बात है, तो आप हम नहीं पूछेंगे क्या भाई, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, इनसे क्या पूछना चाहिए? हाँ प्रधान भाई, बहुत बहुत बधाई हो। तो आप बताओ, इमली पेड़ के नीचे खड़े हो, ईमानदारी से बताना क्या होने वाला है यहाँ पे? बहुत सही आदमी है, बहुत सही, आप भी आओ। बहुत सही आदमी पकड़ा हमने यहाँ, भाजपा जो जीत रही है, कार्यकर्ता सब आ गए क्या यहाँ पे? प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। क्या बोल रहा है, बड़े भाई बोल दिए तो बन रही है तो। अच्छा तो वोट का बड़े भाई पूछ के डालेंगे? बिल्कुल पूछ के डालेंगे भाई, भाजपा भाजपा। तो बोलने में क्या हो रहा है, क्या मूल? अरे बताइए क्या बनाना, क्या भैया 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 कौन भैया?
अरे मोदी मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद हैं बाजी। जनता की सरकार है भाजपा सरकार, वो तो बननी है। यहाँ कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सारे लोगों को उसमें विश्वास है और देश का विश्वास है। क्या नाम है आपका? अंशुमन श्रीवास्तव। अंशुमन साहब ने कहा यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है और ये जो चाय की दुकान है यहाँ तमाम सारे लोग आते हैं। और ईमानदारी से आप बात को देख लीजिए, बता दीजिए, ये कौन रह गया भाई? ये रह गए भैया, आप रह गए। क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला सर। हाँ पंकज जी, बताइए क्या है आपके यहाँ हालचाल, क्या है फैजाबाद? हमारे हम तो सर बस्ती के हैं। हाँ, हमारे यहाँ से बीजेपी जीत रही है। आपके यहाँ से जी? तो यहाँ पे फैजाबाद में आए हैं? फैजाबाद में हम ड्यूटी करते हैं। काहे की? माइको में, माइको एजेंसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस्ती में जीत रही है जी? तीन सीटें निकल रही है बस्ती में। बस्ती में जी? अरे पूरे प्रदेश में निकल रही है। 1990 से जब से राम मंदिर का आंदोलन चला, अयोध्या फैजाबाद विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया। ये बात तो सही है। यहाँ ना रोजगार के साधन है, ना हायर एजुकेशन के साधन है, ना यहाँ चिकित्सा का साधन है। सामान से एक्सीडेंट होने पर यहाँ का हॉस्पिटल जो है लखनऊ रेफर कर देता है। इन 26 सालों में, 28 सालों में फैजाबाद का कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास के बुनियादी जो मुद्दे हैं, रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इन तीनों मुद्दों पर फैजाबाद पूरी तरीके से पिछड़ गया। मेरा अपना मानना था कि राम मंदिर के नाम पर लोगों ने सरकारें बनाई और बिगाड़ी, लेकिन फैजाबाद का विनाश कर दिया। कहूंगा कुछ नहीं। कुरान बाते जमी जोर वो कर कटकी। सिर्फ नेताओं के ही पोस्टर बैनर स्लोगन थोड़ी ना, लोग ऐसे भी लिखते हैं। हाँ जी, रुके, तुमने कहा आपको दिखा दें। आलू खाते हो टमाटर भी खाया करो। हाँ, यहाँ का शेर है। और चातुरी पुर में रहते हो रजौरा जी आया करो। हाँ, इनकी कोई नई शादी हुई थी और यहाँ नहीं आते हैं, इसीलिए किसी ने लिखा है। काम इकट्ठा है, तार तार हो रहा है। जिससे भी पूछोगे ना अपनी कहानी बताने लगा होगा। कहानी इतनी ऐसी होगी कि शायद बहुत देर तक आप देख ना पाए। मुझे मालूम बहुत दुखी। नहीं नहीं, जो सबसे बड़े लोग आज उनके सामने कहानी बुझा देंगे। बहुत 50 साल हो गए कहानी बुझाओ बुझाओ, कुछ ही आगे कुछ दिखाते नहीं। क्या दिखा दे गरीब लोगन का? न खेती, न बम्बा, न कहीं सुनवाई, न कुछ। 50 साल हो गए, क्या कहानी? कहानी भी नहीं, हकीकत, जो हकीकत भी नहीं। इतना दर्द है, इतना दर्द है और इतना गुस्सा है बाजी। गुस्सा भी बहुत है, गुस्सा का हर चीज कहीं जी का देखो। सब बड़े बड़े अपने बड़े मिल ले, तो हम लोग गरीब उठ के बिरिया तुमसे हाथ जोड़ ले भाई, तुम हमसे और हाथ जोड़ ले हो, बाद में तुमका कहाँ ढूंढने जाइ भाई, कहूँ ढूंढने जाइ भाई, ना कहीं हमारे लगे दोबारा यो 5 साल छूटे। 5 साल तक तो आओगे नहीं, उसके बाद ही आओगे, इससे पहले तो आओगे नहीं। और हम तुम्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे और तुम हमें कहाँ ढूंढोगे? हैं 5 साल बाद देखने पड़ोगे, 5 साल फिर नंबर आएगा तो कुछ कहीं बम्बा लगा दे, वे लगा दे। इसमें से कुछ लोग कम हो चुके होंगे तब तक। ये है हकीकत, बिल्कुल सड़क के किनारे की हकीकत जो हमने दिखाया। क्या बोले, कितना बोले, कहाँ तक बोले? चार नल है, चार के गांव भरे में चार नल है बस, इतनी पब्लिक पिए वाली पानी। लड़ाई झगड़ा होता होगा? एक में पर लड़ाई होगा, जब इकट्ठा सब लोग हुई है औरत, कहीं हम भाई कहीं हम भर ली। एक नल लगा है, वही नल है, वही में लड़ाई झगड़ा से बच्चों से सयाने से सबसे होता है। तब एक नल है बस। एक नल इतने भारी मोहल्ले में सब सरकार कहीं है गरीबन के लगे और जो कुछ नहीं है तो नहीं आ सकत कि लोग गरीबन का दे। पानी के बम्बा ना है, बम्बा ना पानी के लिए है, न कोई चीज के लिए है, मंजूरी न कराई जाए दूसरे के तो खाक ठिकाना नहीं है, मंजूरी कराई जाए। तो कहा था कि बहुत विकास होगा, बहुत विकास होगा, टीका होगा कि हमारे गरीबन के लिए होगा। जिनका विकास होगा तो उनका होगा, मतलब जिनका विकास होना था उनका विकास बहुत हो गया, पेट भर गया उनका, इतना भर गया कि पेट फट गया। लेकिन यहाँ पूछो आके कैसे रात गुजरती है,
दिन कैसे बीतते। और आप भी जानते हो यकीन, पास आओ बाजी, मैं जानबूझ के नहीं तस्वीर वो दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तस्वीर देखोगे, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, फिर भूल जाते हो क्या क्या दिखाएं। पाजी ये है पूरी बस्ती, पूरी बस्ती, छप्पर ही छप्पर। पाजी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाओ, ये छप्पर है, ये गांव है, गांव के बच्चे हैं, कोई नहीं आता, नेता सब आते हैं बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ मांग लेते बस, कोई वोट नहीं, एक नल है ना कुछ है। भाई साहब वोट दे देते हैं, बाकी ये नहीं कहता कि तुम गरीब लोग कहाँ रहते हैं। लौट कर आता नहीं कोई, लौट के कोई नहीं आया, जो यहाँ से गया वो लौट के नहीं आया, टाइम पर वोट दो खाली बस, आपको समझ लेंगे, वोट देना भूलना नहीं। हाँ भाई साहब वोट देंगे, वोट दे ले लेते हैं, बाकी नहीं पहचानते यहाँ कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो। बच्चे पढ़ने जाते हैं कहाँ, गरीब लोग कहाँ पढ़ा पाते हैं, नहीं जाते हैं बच्चे, घूम खा रहे हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं यहाँ घुमा करते हैं, वो झाड़ू बनाती हैं, झाड़ू बनाती हैं, मजदूरी बेच बेच के बच्चन के पेट दिया दे, किस तरीके पढ़ा ले इनको, कौन मजदूरी रखी है तो इनको मजदूरी करके इनको पढ़ा ले गरीब लोग। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए इतना ज्यादा हो गया होगा, मैं जानता हूँ इतना ज्यादा हो गया होगा, इससे ज्यादा न तो तुम बर्दाश्त करोगे, और अगर ज्यादा दिखा दिया तो गश आ जाएगा।